नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से। आपको बता दें, क्राइम ब्रांच का दरोगा निलंबित कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। अपराधी के साथ दरोगा का हुक्का पीते वायरल हुआ था वीडियो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी खबर सामने आ रही कानपुर से, जहां पर क्राइम ब्रांच के एक दरोगा को निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें, एक अपराधी के साथ में क्राइम ब्रांच के एसआई की तस्वीरें वायरल हुई थी। समाजवादी पार्टी यहां पर सियासत भी अब करना शुरू कर चुकी है। एक अखबार को टैग करते हुए एसपी ने इस मुद्दे पर तंज कसा है। आपको बता दें, पुलिस प्रशासन ने इस तस्वीर को गंभीरता से लेते हुए क्राइम ब्रांच में तैनात दरोगा मोहम्मद आसिफ को निलंबित कर दिया है। दरअसल एक दिन पहले इंटरनेट पर एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें शातिर अपराधी अंकित लाला के साथ बैठकर वो हुक्का पीता हुआ नजर आ रहा था, और इस मामले में विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। एसीपी बाबू पुरवा को जांच की अगुवाई करेंगे, और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने भी ये आदेश जारी किया है। पहली कार्यवाही तो की गई है कि उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उन्हें पुलिस लाइन में अटैच किया गया है, आरआई लाइन के साथ। और दूसरी कार्यवाही की गई है कि इस पूरे मामले पे गहन जांच के लिए एक जांच समिति बनाई गई है, जो इस पूरे प्रकरण को डिस्क्रीटली एग्जामिन करते हुए उस पे जो आगे की डिपार्टमेंटल कार्यवाही है उसको दिशा देगी। अमित सिंह हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, आपके पास आएंगे। अपराधी के साथ में हुक्का पीते हुए एसआई नजर आ रहा था, जिस पर ये कार्रवाई की गई है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए शुभम, लगातार कानपुर पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है उसकी फतियात की ये लगातार दूसरी तस्वीर है। इसके पहले भी एक दो दिन पहले सामने आया था कि एक एटीएम हैकर की मदद करने के चलते एक पुलिस कर्मी को जेल भेजा गया था, जिसके बाद पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठे थे। और अब एक टॉप 10 गैंगस्टर के साथ लाउंज में हुक्का पीता हुआ क्राइम ब्रांच का ये दरोगा सामने आया है, तो कहीं ना कहीं बहुत फजीहत हो रही है पुलिस को। और इसी को देखते हुए लगातार जो अधिकारी है उन्होंने गंभीरता दिखाई, बकायदा एक कमिटी बनाई है और इस दरोगा को सस्पेंड कर दिया है और उसको लाइन हाजिर करते हुए इसको अटैच कर दिया है पुलिस लाइन से। हालांकि इस दरोगा की यह सफाई आई है कि जो पुलिस के मुखबिर होते हैं वो अपराधी होते हैं और इन्हीं से अपराधों की जानकारी मिलती है, और इसी के चलते वो गया था अपराधी अंकित लाला के पास। लेकिन हुक्का पीना और इस तरह की तस्वीरें सामने आना कहीं ना कहीं बताता है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।